मैं रविंदर लुधियाना सिटी लाइव सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हाँ। दर्शकों जिवें तुसीं जानते हो महंगाई ने सारी दुनिया का लक तोड़ सुट्टिया। दो वक्त की रोटी खाने एक गरीब नू बहुत ही मुश्किल हो पई है। प्रदीप जी इस विषय पर आप गलबात करांगे, मैं थोड़ा बहुत बहुत स्वागत करती हाँ। जे आप हुण महंगाई की गल करिए उस बारे तुसीं की कहना चाहोगे? हर चीज़ महंगी हो चुकी है, पेट्रोल दी कीमतां ला लो ते खाण जिहड़े खाण पीण दे चीज़ां ने सारी चीज़ां महंगीआं हो रहीआं ने ते हर एक चीज़ ते मतलब कि जिवें सब्जियां ला लो कुछ भी ला लो ते बच्चे दा परिवार पालना बड़ा मुश्किल होया पिआ। ते जे हुण जिवें आपां किसान हट की गल करिए, ये 80 शहरां दे विच किसान हट खुलन जा रही है दर्शको, ते इस दा आम जिहड़े नागरिक ने की तुसीं सचमुच कहोगे कि महंगाई नूं ठल पै रही है कि जिहड़ी किसान हट खुल रही है? जिवें अपने गुरु नानक साहब ने 13-13 करके अपनी मतलब कि दुनिया च अनाज तोलिया सी, 13-13 करके दुनिया च अनाज तोल, उस अनाज नूं दुनिया हुण भी खा रही है। 13-13 बाबे नानक दा 13-13 दा हले तक नहीं मुक्या, अनाज लंगर चल रहा है, ते तुसीं इस बारे की कहना चाहोगे? देखो जी, जिहड़ी महंगाई दी दर आ उह अपना हमेशा जिहड़े आपां पेट्रोल जां डीजल दे रेटां ते कंसर्न हुंदी आ, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जिन्नी महंगी होगी उस हिसाब नाल उह रेट रेशो उहदी वधूगी। जिहड़ा पता नहीं पंजाब ते केंद्र सरकार जिहड़ी आ इह एक मैं तां कहूँगा भी बहुत नैगेटिव चल रही आ, क्योंकि देखो लॉकडाउन नाल लोकां दे उह कोई खर्चे नहीं कटे, उस तरह बिजली के बिल आ रहे हैं, उस तरह उन्होंने स्कूलों के बच्चों की फीस देनी पै रही है, उस तरह सारे खर्चे जोड़े खर्चे होने हैं। ठीक है जी, लॉकडाउन करके उल्टा जी इन्होंने अच्छा यदि पेट्रोल तो डीजल की कीमत डे बाय डे बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, जबकि जे आप बाहरले देशों कंपैरिजन करिए जी इन्हों टैक्स रेशो कह सकते आप बाहरले देशों जो टैक्स रेशो आ 30-40% तक रहा, साढ़े इतने की है 100% प्लस के नेड़े तेड़े इन्होंने टैक्स ही लाए। आप देखो प्रदीप जी, आप जो आम नागरिक है सवेर की चाह पीन तो लैके टैक्स टैक्स भरदा रहे, तुसी चाह पीने हो, जीएसटी हर एक चीज़ से जीएसटी, मेरी गल सुनो, बच्चे की कापी लैंदे हो उहदे ते टैक्स आ, पेंसल ते टैक्स आ, तुसी चाह पीने हो जां रोटी खाने हो कुछ हरेक चीज़ ते टैक्स आ। ठीक है ना जी, सरकारां कहंदियां घाटा हो गया, कि पासे घाटा हो? असी तो जे कोई एक चीज़ निकी जी भी चीज़ खाने तो वो उत्ते टैक्स देने, ये कहें खजाने खाली आ, खजाने खाली होने का मेन कारण यह भी जोड़े MLA आ MLMP आ इन दिव्य पेंशन ही कि गुणा लगियां, उस तो बाद तनखा। देखो जब एक बंदा लॉकडाउन होया घरों बाहर नहीं निकल रहे, इन्होंने कहदियाँ तनखा देनिया, बिल्कुल बंद कर देनिया चाहिए मेरे हिसाब से, पेंशन भी बंद कर देनिया चाहिए MLMP दियाँ। तुम सेवा ले आए हैं जिमें कनेडा से सेवा ले होंगे उमें इतने भी उही सिस्टम उरे लागू करना चाहिए। दूजी गल तुम जी किसान हट की गल करिए, ये कास नहीं करना जी, ये जी किसान जे आप कही आप एक दुकान पर आप जाने तो 50-60% जोड़ा किसानों के उत्तों उपजाती है वो तो भी आपको जोड़े मटीरियल मिलता वा। ठीक है ना जी, जे किसान हट जे जिमीदार भरा सक्सैसफुल कर लेंगे पंजाब, कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिलेगी आम लोगों को। हाँ जी प्रदीप जी, मैं एक होर गल कहना चाहवागी, हूँ जो सरकार ने वो कारपोरेट घराणियां तो बिल्कुल सेफ रख रही ने, उन्होंने मदद कर रही, पर गरीबों की मदद कौन करेगा? कि असी जी असी डिबेट करते हैं, असी लोगों तक अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, तो जी आप जिमें हम मीडिया राही असी सारा कुछ जो भी है वायरल वीडियोज़ होंगे ने असी उन्होंने बारे विचार चर्चा करते हैं, तो वो जी विचार चर्चा आम जो नागरिक ने थोड़ा की ख्याल है भी जो आम नागरिक है जो घर बैठे ने बेचारे जिन्ह की आवाज़ नहीं सेंटर तक पहुँच सकती, वो आवाज़ बुलंद करने लिए देखो एक वोट की कीमत बहुत होंगी है। ठीक है नहीं, आने वाले टाइम तो इलेक्शन ने, तो मैं तो यही कहूँगा जिन्हें भी वैसे भी जागरूक हो गए किसान तो जागरूक हो ही है, आम आदमी आम पब्लिक में भी जागरूक होना पैना, तुम पार्टी ना देखो बंदा वह देखो चुने जोड़ा भी तेजे वाकई काम आने वाला, कोई दो बोरी तुम कुछ मटीरियल देना आए कोई कोई होर लालच देना आए वह जे बंद मैं तो नहीं चाहता भी तुम वोट पाओ, क्योंकि जोड़ा बंदा पैसे ला के या पैसे बंड के बनूगा वो पहला आपके पैसे कवर करूँगा जी, बिल्कुल। इस करके बेनती यही है मेरी सारे
भी कोई चंगे बंदे नूं चुनियो जिहड़ा कि तुहाडे नाल खड़े तुहाडे हमदर्द होवे ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਣਿਆ ਮੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮਰਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਇਓ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੁਣਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਔਖੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ 'ਤੇ ਹੀ ਗਿਰਦੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 80 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20-30% ਤੱਕ ਲੈਸ ਮਿਲੂਗਾ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ 20-30% ਤੱਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੂਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਟਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੱਥੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ।